हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले पोको X2। ये सेट में प्रॉब्लम है, सेट डेट है, देख लीजिए ऑन नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले हम इसका मदरबोर्ड बाहर निकाल लेंगे। तो थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं अभी हम, फटाफट मदरबोर्ड बाहर कर लेना है। और अगर आपको कोई फ़ोन रिपेयर के लिए भेजना है तो आप ये जो नीचे दिया हुआ नंबर है इस पर कॉल ज़रूर कीजिए या तो व्हाट्सअप कीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे क्या पार्सल लगाना है। अगर आप नागपुर से हैं तो बहुत ही बढ़िया है, तो नागपुर में रहेंगे तो आप बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, आपके लिए वहीं के वहीं पा सकते हैं। चलिए माइक पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम कुछ ये निकाल लेना है, इसके ऊपर की कवर कॉपर प्लेट निकाल लेनी है। ये निकल चुकी है कॉपर प्लेट। इसके बाद हमें इसकी शील्ड निकाल लेनी है, शील्ड बोलो तो ये जो लगी हुई है सिल्वर कलर की, ये शील्ड निकाल लेनी है। एकदम आराम से निकालनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम धीरे धीरे प्रॉपर हीट मार के हमें निकाल लेनी है शील्ड। ये देख लीजिए इस तरीके से हल्की हल्की हीट मार के, क्योंकि नीचे कंपोनेंट रहते हैं गाइस, कंपोनेंट हमारे डैमेज नहीं होने चाहिए। एक भी कंपोनेंट टूटा तो गड़बड़ हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये अभी इधर से निकल चुकी है थोड़ी सी शील्ड, अभी इधर से बची हुई है एकदम आराम से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको ऐसा लगता है आपके नॉलेजफुल वीडियो हम बनाते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें, इसी तरीके से आपको डेली एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो ये देख लीजिए बस शील्ड निकलनी वाली है हमारी, ये शील्ड थोड़ी कोने से नाटक कर रही है निकलने में। हमारा इधर कनेक्टर भी है, वो भी जल ही रहा है धीरे धीरे, जैसे काम में आ जाएंगे उतना जलने के बाद भी हो। तो बस ये निकलने वाली है शील्ड, ये निकल चुकी है। तो सबसे पहले हम इसकी CPU अभी कटिंग करेंगे, CPU की सबसे पहले हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। एडजस्ट कर लेते हैं प्रॉपर हम माइक्रोस्कोप, ये हो चुका है हमारा। तो अभी टूल की मदद से हम कट कर लेंगे चारों कोने CPU के, कंपोनेंट डैमेज ना हो इस तरीके से हमें कट करने हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कट CPU। तो अभी हम ये UFS को प्रोटेक्शन टेप लगाना भूल गए हैं, तो उसके ऊपर टेप लगा देंगे अभी। ये हमने टेप लगा दिया है UFS पे। तो चलिए अब आगे का काम स्टार्ट करते हैं अभी हम। तो CPU को हिट मारेंगे हल्की हल्की और धीरे धीरे हमारा ये टूल है CPU ओपनर वाला, तो इसको इंसर्ट करेंगे धीरे धीरे CPU के अंदर। तो ये अभी हिट होने का है, CPU हमारा प्रॉपर अब हिट होना चालू हो गया। देख लीजिए यहाँ का शोल्डर मेल्ट हो चुका है ग्राउंड का, देख लीजिए अब CPU में से भी बबल आने लगी है। और हीट कम रखेंगे तो ट्रैक की टूटेंगे, हीट ज़्यादा रखेंगे CPU खराब होंगे। हमें दोनों के बीच में रखना है, 360 के करीबन हीट रखनी है और एयर 40 पे रखनी है। तो ये देख लीजिए हमारा CPU प्रॉपर निकल चुका है और ट्रैक भी ख़राब नहीं हुई, ना जली ना कुछ हुआ है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं CPU के जो जगह है वो पहले साफ़ कर लेंगे। चलिए इस तरीके से आपको भी क्लीन कर लेना है अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हो तो, डिसोल्डरिंग की वायर की मदद से क्लीन कर लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है मैं कोई और दूसरे मॉडल पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इस, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं वीडियो दूसरी भी बनाऊंगा, आप मुझे बताएंगे नहीं मैं जब तक, मेरे को पता कैसे चलेगा कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊं। तो ये अभी ग्लू पूरा क्लीन कर लेना है टूल की मदद से, ये ग्लू बस क्लीन ही होने वाला है अभी हमारा पूरा। देख लीजिए ग्लू पूरा क्लीन हो चुका है, अभी एक बार डिसोल्डिंग वायर की मदद से इसे और एक बार क्लीन कर लेंगे, बचा कुचा जो भी शोल्डर होगा वो निकल जाएगा पूरा प्रॉपर। देख लीजिए आयरन कितना गर्म है हमारा, वो पूरा साइड का जो ग्राउंड का है वो पूरा वो हो जा रहा है सफाई, देख ले आप आयरन भी इतना दमदार होना, नहीं तो ट्रैक उखड़ जाएंगे, आयरन दमदार नहीं रहा। एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है अभी हमारा ये। तो अभी हम फटाफट अब इसके बाद आ जाते हैं CPU साफ करेंगे, ठीक है। ये हो चुका है प्रॉपर क्लीन, अब CPU क्लीन करेंगे। ये टूल की मदद से हमें हिट करना है, 110 पे हमारी हिट है, एयर 10 पे है, तो 110 नहीं सॉरी 310 पे हीट है और एयर 10 पे है। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से हमारा, यानी हम ज़्यादा ताकत नहीं लगा रहे हैं ना हीट दे रहे हैं आईसी को, देख लीजिए एकदम हल्की हीट पड़ रही है हमारी आईसी को, शोल्डर तक के नहीं पिघल पा रहा है। इस तरीके से आपको भी करना है क्लीन, उससे नहीं तो ज़्यादा हीट रहेंगी हमारी तो आईसी भी डैमेज हो सकती है या इंटरनल आईसी ब्रेक हो सकती है। तो ग्लास वाली आईसी रहती है क्योंकि ऐसे अंदर एक कांच की चिप रहती है, उससे पूरे फंक्शन चलते हैं। तो ये हो चुका है हमारा CPU क्लीन, ये देख लीजिए CPU पूरा क्लीन हो चुका है। अभी हम इसे रिबॉल करेंगे ये स्टेंसिल की मदद से, होल से होल मिला लेना है और PPD लगा देनी है। ये थोड़ी हमारी स्टेंसिल ख़राब है गाइस, पिछली बार भी बताया था मैंने, बॉल ऊपर आ जाते हैं, कोई बात नहीं हम 2 से 3 बार कर लेंगे।
ये देख लीजिए, अभी बीच में से बॉल इसमें ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं, देख लीजिए आप इस तरीके से। ठीक है, ये कटिंग हो गई हमारी, फिर से हम पीपीडी लगाएंगे, 2 से 3 बार कर लेंगे तो एक जैसे बॉल बन जाते हैं। ये हो चुका है एक बार, और भी एक बार और कर लेंगे इसके बाद में लास्ट बार, फिर ये हो चुका है हमारा, देख लीजिए एक लास्ट बार और कर लेते हैं, ये हो चुका है, इसके बाद हम नहीं करेंगे। एकदम बढ़िया बॉल बन चुके हैं गाइस हमारे। ठीक है, तो ये देख लीजिए कहीं ये मोटे ये रह जाते हैं, तो इसको ये टूल की मदद से हम शोल्डर जो है एक्स्ट्रा जो लगा हुआ रहता है वो निकाल देना है, नहीं तो जब हम बेस लगा के हिट मारेंगे तो उससे होगा ये कि ये जो है बॉल शॉर्ट हो जाएंगे आपस में। तो अभी थोड़ा पेस्ट लगा के हम फिट मारेंगे इसको आईसी को, और उसके बाद मदरबोर्ड में फिट करेंगे। आईसी का जो नॉइस है डॉट, वो सही जगह ही रखना है हमें, नहीं तो वरना आपका फोन चालू नहीं होगा। हमारा नॉइस इस साइड था, हमने इसी साइड रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हिट मारनी है हल्की हल्की हमें, और वेट करना है सीपीयू बैठे तक के। थोड़ा हमने पेस्ट कम लगाया तो इस बार समझ नहीं आएगा हमें सीपीयू बैठा है कि नहीं, तो हमको बाहर से और लगता है पेस्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि इतनी देर में तो आ जाना चाहिए था पेस्ट बाद। हल्का हल्का आ रहा है, देख लीजिए आप साइड से, मतलब बैठ चुका है हमारा सीपीयू, फिर भी हम थोड़ा पेस्ट लगा के और एक बार हिट मार देंगे तो उससे हमें प्रॉपर पता लग जाएगा सीपीयू बैठा है कि नहीं। कभी कई बार क्या होता है एक कहीं कहीं कि बॉल बैठ नहीं पाता है बराबर, थोड़ा हम और पेस्ट लगा के हिट मार देते हैं, उससे होगा ये कि कहीं जहाँ पे पेस्ट गया नहीं होगा वहाँ पे भी पेस्ट चले जाएंगे और एक दो बॉल जो बैठे नहीं होंगे वो प्रॉपर बैठ जाएंगे। चलिए अभी इसे ठंडा होने देते हैं, अभी हम मदरबोर्ड को ठंडा होने के बाद हमें चेक करना है कि फ़ोन हमारा चालू रहेगा। तो देख लीजिए बोर्ड ठंडा हो चुका है, अभी हम पूरा ही पैक कर देते हैं इसे। बस हमारे पास ये फ़ोन आया था एक्चुअली कुराड़ी से, तो ये हमारे एक कस्टमर है, उन्होंने हमारी वीडियो देखा था यूट्यूब पे, यूट्यूब के थ्रू वीडियो देख के हमारे पास ये फ़ोन बनाने के लिए लेकर आए, नागपुर से थोड़ा आगे में कुराड़ी गाँव है करके वहाँ से के आए थे। तो ये हो चुका है हमारा, अब चेक कर लेते हैं अभी हम। सब आपको इस तरीके से फिट कर देना है, अगर आपको कोई फ़ोन, देख लीजिए हमारा फ़ोन चालू हो चुका है फाइनली गाइस। अगर आपको कोई फ़ोन रिपेयर के लिए भेजना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ अगर अभी तक के हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए चैनल जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय बाय।